हेलो एवरीवन, वेलकम टू PHR कॉम्पिटेटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी अच्छा से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में रेलवे की NTPC की एग्ज़ाम हुई थी लेवल 2, 3 एंड 5 की, और लेवल 4 एंड 6 की जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने पहले ही करवा दिए थे। तो लेवल 2 वाले में एक क्वेश्चन मुझे गलत मिला था और आज है 27। तो 27 को आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का आज लास्ट डेट है, तो जल्दी से आप ऑब्जेक्शन रेज कर देना। मैं जल्दी वीडियो डाल नहीं पाया तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। लेवल 2 16 को एग्ज़ाम हुई थी, 12:45 से 2:15 वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन मुझे मैथ की गलत मिली है। मतलब रेलवे वाले ने उसे ऑप्शन सही कर दिया, बट वो क्वेश्चन गलत है, उसका ऑप्शन गलत है। अगर आपका गलत हुआ है तो आप उसको ऑब्जेक्शन रेज करके सही करवा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश है, मैंने हिंदी टाइपिंग नहीं करवाया है, आप हिंदी में ही मैं समझा दूंगा, लेकिन आप इसे ट्राई करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन था, टू पोल्स आर आइदर साइड ऑफ अ रोड। एक रोड दिया गया था, एक रोड हमने ले लिया, टू पोल है, एक पोल इस साइड में है और एक पोल इस साइड में है, दो खंबे दिए गए थे। 20 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स। टू पोल्स के बीच में कहीं पे एक लैडर मतलब सीढ़ी को रखा गया जिसका लंबाई 20 मीटर था। ठीक है, एक बार इस दीवार से रखा गया, एक बार इस दीवार से रखा गया, मतलब पोल से रखा गया है ना। और फिर बोला गया, वेन द लैडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल इट मेक्स एंगल 60। जब एक तरफ झुकता है लैडर तो बनाता है 60 डिग्री का कोण, और जब दूसरा तरफ झुकता है तो बनाता है कितने का, विथ द पोल। वेन इट्स टर्न टू रेस्ट अगेंस्ट द पोल इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रूट। मतलब एक तरफ भी 30 डिग्री का एंगल ये बनाता है। ठीक है, बात पूछी गई है कि कैलकुलेट द विथ ऑफ द रोड, मतलब इस रोड की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी होगी। एक हमारा पोल ये हो गया ए बी, एक हमारा पोल हो गया ए डैश बी डैश। इतनी सी चीज़ आपको दे के रखी गई थी और आपको रूट थ्री का वैल्यू 1.732 भी देकर रखी गई थी। देखिए साधारण सा बात है, अगर आप इस पर ध्यान से देखोगे तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है ना, लैडर, ये आपकी लैडर है जिसकी लेंथ दे के रखी है 20 मीटर। अब बताओ अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा रूट थ्री। ये अगर 60 है तो ये हो जाएगा रूट थ्री, ये हो जाएगा 1। इस हिसाब से अगर आप निकालोगे इसको रूट थ्री एक्स, इसको एक्स मान लोगे तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर। देखो मैं डिटेल्स में लिख देता हूँ फिर आपको डाउट ना रह जाए। ये हो जाएगा 3x² + x² इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। मतलब हमने क्या लिखा, p² + b² = h² क्लियर है। देन आप देखोगे तो 4x² = 400, दे आफ्टर x² = 100 एंड x = 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई, x हमने क्या माना था, ये। तो मतलब इस वाले की वैल्यू रूट थ्री एक्स, जहाँ जहाँ x लगा दो, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अब कितनी हो गई, x थी हमारी डिस्टेंस मतलब ये 10 हो गई, और यहाँ से यहाँ रूट थ्री एक्स थी मतलब रूट थ्री 10 रूट थ्री हो गई। टोटल डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी यहाँ से यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 10√3 + 10, ये आपकी रोड की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है 1.732, पुट कर देंगे तो बन जाएगा 17.32 और प्लस का 10, तो आंसर हो जाएगा 27.32। ये आपकी सही उत्तर है, 27.32 इसका सही उत्तर है। इन्होंने दे दिया 34.64। एक्चुअली इन्होंने मिस्टेक क्या किया है, जिसमें से काफ़ी बच्चे भी मिस्टेक किया होगा शायद, तो अगर जिसने 34 मारा उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका सही मान लिया गया है, लेकिन 34 आंसर गलत है। आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो कई लोग क्या करते हैं, रूट थ्री और इसको जोड़ देते हैं, जो कि गलत है, 820√3। अगर अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे आप 20 × 1.732, तो आपका 34.64 आ जाएगा। बट ये तरीका क्या है, टोटली गलत है, आप 10√3 और इसको जोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, 10 कॉमन ले लो, रूट थ्री प्लस 1 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे 10 1.732 + 1 इक्वल टू करोगे 10 × 27.32, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2.732। और अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। तो 100% आंसर आपका 27.32 सही होगा, 34 आंसर नहीं है। अगर जिन्होंने 34 मारा उनका सही कर दिया गया इस वाले फैक्टर से, जो कि गलत है, तो ऑब्जेक्शन रेज नहीं भी करेंगे, चल सकता है। बट अगर जिन लोगों ने इसमें से कोई ऑप्शन चूज किया, उनका ऑप्शन गलत हो गया, देन यू शुड गो फॉर ऑब्जेक्शन, है ना। ऑब्जेक्शन रेज करोगे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जल्दी से ऑब्जेक्शन रेज कर दो, ये 27th of June ही लास्ट थी और मुझे अभी टाइम मिला है तो मैंने इसे वीडियो बना के अपडेट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।